हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग राम मंदिर के विषय में पढ़ेंगे, जो कि वास्तुकला की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर कोई भी परीक्षा हो रही है, अगर उसमें वास्तुकला से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो निश्चित तौर से यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनेगी, क्योंकि ये राम मंदिर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में जो रामलला की प्रतिमा स्थापित हुई, उस दिन लोग जगह जगह भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। ऐसा मानो जान पड़ता है कि राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे हैं और पूरा देश राममय हो गया था। लोग दीपावली, जिस तरह से दीपावली को दिया जलाया जाता है, उसी तरह से उस दिन 22 जनवरी को लोग अपने घरों में दिया जला रहे थे। पार्कों में, मंदिरों में काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन गया है राम मंदिर। राम मंदिर से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से रीड करिए और लर्न करिए। काफ़ी स्टूडेंटों का कमेंट भी आया था कि मैम राम मंदिर के विषय में पढ़ा दीजिए। तो आज का टॉपिक है राम मंदिर। इनके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि श्री रामचंद्र जी ये विष्णु भगवान के 7वें अवतार हैं और ये सूर्यवंशी राजा थे। और सूर्यवंशी, जिस तरह से सूर्य में 12 कलाएं होती हैं, उसी तरह से श्री रामचंद्र के अंदर 12 कलाओं से युक्त थे। और श्री कृष्ण के अंदर 16 कलाएं थीं, क्योंकि वो चंद्रवंशी थे और चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। तो कृष्ण के अंदर 16 कलाएं थी और रामचंद्र जी के अंदर 12 कलाएं थीं। और ये विष्णु भगवान के 7वें अवतार हैं। तो ये मंदिर, यहाँ से सबसे पहला प्रश्न है कि ये मंदिर है कहाँ, स्थित कहाँ है। तो ये उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ है तो अयोध्या एक जिला है जहाँ ये स्थित है, और ये राम की जन्मभूमि है। स्थान कौन सा है, स्थान ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। जिला कौन सा है, अयोध्या जिला है। अयोध्या जिला है। और धर्म यहाँ पर कौन सा है, हिंदू धर्म है। शैली कौन सी है, नागर शैली है। जैसा कि नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली होती है, तो उत्तर भारत में नागर शैली है। तो ये यहाँ पर कौन सी शैली है, तो नागर शैली है। देवता कौन से हैं, राम का बाल रूप। भगवान राम को 5.5 साल के बच्चे के रूप में गर्भगृह में स्थापित किया गया है वो मूर्ति। और स्थान कौन सा है, तो राम का जन्म स्थान है। यहाँ पे होगा स्थित। स्थान कौन सा है, तो राम का जन्म स्थान। इस मंदिर के वास्तुकार कौन है, तो सोमपुरा परिवार है। निखिल चंद्रकांत सोमपुरा,
उनके भाई निखिल सोमपुरा, और पुत्र आशीष सोमपुरा। नदी कौन सी है? तो सरयू नदी है। सरयू नदी है। और इसका शिलान्यास कब हुआ था? पांच अगस्त। बीस ईस्वी को। और मूर्ति स्थापित की गई बाईस जनवरी दो हजार चौबीस को। 22 जनवरी 2024 को मूर्ति स्थापित की गई। अब यहाँ पर मूर्तिकार कौन से थे? अरुण योगीराज, और उनके सहायक थे गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे। और पत्थर कौन सा था यहाँ? तो शालिग्राम पत्थर। और ये पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? तो नेपाल की तराई में। गंडक नदी के किनारे से यह पत्थर प्राप्त होता है, जिसको काट करके इनकी मूर्ति बनाई गई शालिग्राम। यहाँ के मुख्य पुजारी कौन थे? मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। सत्येंद्र दास यहाँ के मुख्य पुजारी थे। और ये मंदिर प्रभावित किससे है? तो प्रभावित है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर,
और कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस पे प्रभाव जो है खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर से ये प्रभावित है। अब इस मंदिर की प्रमुख विशेषताएं क्या है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये मंदिर स्थित कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो अयोध्या में है। यहाँ पे धर्म कौन सा है, हिंदू धर्म है। शैली कौन सी है, नागर शैली है। जैसा कि उत्तर भारत में नागर शैली है तो यहाँ पे नागर शैली है। देवता कौन है, रामलला। राम का बाल रूप है। राम को 5.5 साल के बच्चे के रूप में गर्भगृह में स्थापित किया गया है। स्थान कौन सा है, तो राम का जन्म स्थान है। वास्तुकार यहाँ पर सोमपुरा परिवार है, जिसमें चंद्रकांत सोमपुरा है, उनके भाई निखिल सोमपुरा है और उनके पुत्र आशीष सोमपुरा है। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो आचार्य सत्येंद्र दास हैं। और ये मंदिर, इस मंदिर पर प्रभाव किसका है, तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यहाँ पर पत्थर कौन से हैं, तो शालिग्राम पत्थर है, जो कि नेपाल की तराई में गंडक नदी के किनारे से ये पत्थर प्राप्त होता है और वहीं से इस पत्थर को ला करके काट करके यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पे मूर्तिकार कौन से हैं, तो अरुण योगी राज हैं और उनके सहायक गणेश भट्ट हैं और सत्यनारायण पांडे हैं। ये नदी कौन सी है, तो सरयू नदी यहाँ पे है। और शिलान्यास इसका कब हुआ था, तो 5 अगस्त 2020 को इस मंदिर का शिलान्यास हुआ था और मूर्ति स्थापना हुआ 22 जनवरी 2024 को। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण मंदिर की विशेषताएं हैं जिसको हम अब आपको बताएंगे। अब हम मंदिर की प्रमुख विशेषताओं के विषय में जानेंगे। मंदिर की प्रमुख विशेषताओं के विषय में जानेंगे। तो इस मंदिर की लंबाई 380 फीट है। ये मंदिर 380 फीट लंबा है और 250 फीट, 250 फीट चौड़ा है। ये इसकी चौड़ाई जो है 250 फीट है और ऊंचाई इसकी 161 फीट है। तो ये मंदिर 380 फीट लंबा है, 250 फीट चौड़ा है और 161 फीट ऊंचा है। यहाँ पर कुल 392 स्तंभ हैं। तथा 44 दरवाजे हैं। मंदिर में कुल 3 तल बनाए गए हैं, 3 मंजिला यह मंदिर है।
और एक एक तल जो है वो 20-20 फीट का है, 20-20 फीट का तल बनाया गया है। हर तल कितना है? 20-20 फीट का, 20-20 फीट का प्रत्येक तल है। भूतल पर मुख्य गर्भगृह में, भूतल पर यानी सबसे नीचे, भूतल पर मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम के बचपन के स्वरूप बचपन स्वरूप श्री रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो इसमें श्री राम लला को 5.5 साल के बच्चे के रूप में स्थापित किया गया है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो पूर्वी दिशा में है। पूर्वी दिशा में है जहां पर सिंह द्वार के माध्यम से 32 सीढ़ियां आप चढ़कर पहुंचा जा सकता है। जमीन की नमी में सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट प्रयोग करके ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है। ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है और 21 फुट ऊंचे चबूतरे का निर्माण किया गया है।
मकराना एक स्थान है। मकराना का संगमरमर पत्थर, मकराना संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर। ये मकराना संगमरमर, गुलाबी बलुआ पत्थर। तथा ग्रेनाइट। मकराना एक स्थान है जहाँ का संगमरमर बहुत प्रसिद्ध है। गुलाबी और बलुआ पत्थर तथा ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है। मंदिर में कुल 5 मंडप बने हैं। मंदिर में कुल 5 मंडप बने हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। और कीर्तन मंडप तो मंदिर में कुल 5 मंडप बने हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। इस मंदिर का जो गर्भगृह है, गर्भगृह का आकार अष्टकोणी है। अष्टकोणी है। मंदिर गर्भगृह का आकार अष्टकोणी है और मंदिर में 2100 किलोवाट का एक घंटा रखा गया है। किलो का घंटा रखा गया है। जो कि अष्ट धातु में निर्मित है। और यह कहाँ से आया था? तो यह रामेश्वरम से आया था। रामेश्वरम, रामेश्वरम से यह घंटा आया था। अब मंदिर की विशेषताओं को देखें। इस मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट है। यहाँ पर कुल 392 स्तंभ है तथा 44 दरवाजे हैं। मंदिर में कुल 3 तल बनाए गए हैं। प्रत्येक तल 20-20 फीट का है। भूतल पर मुख्य गर्भगृह में जो
भूतल वाला हिस्सा है उसके मध्य गर्भगृह में भगवान श्री राम के बचपन स्वरूप श्री राम लला की मूर्ति को स्थापित किया गया है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में है, जहां पर सिंह द्वार के माध्यम से 32 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, पूर्वी दिशा में है। 32 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। जमीन की नमी में सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट बनेगा कि सुरक्षा के लिए, नमी से सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो ग्रेनाइट का। और एक 21 फुट ऊंचा चबूतरे का भी निर्माण किया गया है। मकराना संगमरमर, मकराना एक स्थान है जहाँ का संगमरमर गुलाबी ये बहुत ही प्रसिद्ध है, और बलुआ पत्थर तथा ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है। मंदिर में कुल 5 मंडप बने हैं, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। गर्भगृह का आकार अष्टकोणीय है। मंदिर में 2100 किलोग्राम का घंटा रखा गया है, जो कि अष्ट धातु में निर्मित है। और यह घंटा कहाँ से आया है, तो रामेश्वरम से यह घंटा आया है। मंदिर के पास एक ऐतिहासिक कुआं है। कुआं है जिसे सीता कूप के नाम से जाना जाता है। कूप में से कुआं, मंदिर में एक केंद्रीय मंदिर है। तथा जिसके चारों तरफ छह और अन्य मंदिर परिसर से जुड़े हैं। मंदिर परिसर के दक्षिण भाग में कुबेर टीला में भगवान भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। तथा जटायु की भी मूर्ति स्थापित की गई है। स्थापित की गई है
मंदिर की नींव का निर्माण रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट RCC 14 मीटर मोटी मोटी परत से किया गया है। मंदिर की नींव का निर्माण रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट RCC में 14 मीटर मोटी परत से किया गया है और मंदिर की गर्भगृह की गहराई में टाइम कैप्सूल रखा गया है। अब टाइम कैप्सूल क्या होता है? तो यह मंदिर का इतिहास हजारों समय तक मंदिर का निर्माण हजारों लंबे समय तक मौजूद रहे। टाइम कैप्सूल मंदिर का इतिहास हजारों साल यानी लंबे समय तक ये मौजूद रहे तथा मंदिर का पूरा विवरण और इतिहास इतिहास इसमें लिखा गया है। मंदिर का पूरा विवरण और इतिहास इसमें लिखा गया है। मंदिर में एक 2003 में एक बार यहाँ पर जब खुदाई हुई थी तब यहां से टेराकोटा में दो सौ सोलह मूर्तियां प्राप्त हुई थी।
जो कि विभिन्न देवी देवताओं की थी। ٹین میں جب کھدائی ہوئی تھی تب یہاں سے ٹیراکوٹا میں 216 سے زیادہ مورتیاں پراپت ہوئی تھی۔ 16 سے زیادہ مورتیاں یہاں سے پراپت ہوئی تھی جو کہ ویبھن دیوی دیوتاؤں کی تھی، اور یہ کس کے اس کی کھدائی آر مڑی کے نردیشن میں کی گئی تھی۔ इसकी खुदाई B.R. मणि के निर्देशन में हुई थी। निर्देशन में हुई थी इसकी खुदाई B.R. मणि के निर्देशन में हुई थी। इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको आप लोग नोट करके लिखिए कि इस मंदिर में, इस पूरे मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। बल्कि इसके स्थान पर तांबे का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि राम मंदिर में कौन सी धातु का प्रयोग नहीं किया गया है। आजकल ऐसे प्रश्न खूब आ भी रहे हैं परीक्षा में, तो नहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस पूरे राम मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर तांबे का प्रयोग किया गया है। अब हम इनके रामलला के आभूषण को भी इसमें देख लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम इनके पूरे आभूषणों के विषय में विधिवत समझाएंगे। आभूषण रामलला कौन सा आभूषण पहने हैं, तो जो मूर्ति है उनमें कौन कौन से आभूषण पहने हैं, तो मस्तक पर तिलक है, मस्तक पर तिलक लगाए हुए हैं, कानों में कुंडल पहने हैं, पैरों में पैजनिया हैं, हाथों में धनुष है, हाथ में धनुष है, हाथ में धनुष है, गले में कंठा है, और चरणों के नीचे कमल है,
चरणों के नीचे कमल है, चांदी के खिलौने रखे गए हैं। क्योंकि भगवान श्री राम के बाल रूप का की मूर्ति है, इसलिए चांदी के खिलौने रखे गए हैं, जैसे झुनझुना हो गया, चांदी के खिलौने हैं भगवान को खेलने के लिए। और भगवान के प्रभा मंडल के ऊपर एक छत्र है, गले में कंठा है, हृदय पर कौस्तुभ मणि है, हृदय पर कौस्तुभ मणि है, नाभि कमल के ऊपर पदिक है, कमर में करधनी है, जिसे कांचा कहते हैं। करधनी को क्या, करधनी को कांचा भी कहते हैं। वैजयंती की माला है, वैजयंती की माला है, और कम वैजयंती की माला है। मस्तक पर तिलक है, कानों में कुंडल है, गले में कंठा है, हृदय पर कौस्तुभ मणि है, नाभि कमल के ऊपर पदिक है, वैजयंती की माला है, तो चरणों के नीचे कमल है, चांदी के खिलौने हैं, भगवान के प्रभा मंडल के ऊपर एक छत्र है। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को भगवान रामलला के आभूषणों के विषय में बहुत अच्छे तरह से डिटेल में समझाएंगे कि जैसे कि भगवान राम ने जो कानों में कुंडल पहना है तो वो किस धातु का है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को जानने के लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करिए, और जो है हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखते तो बहुत से लोग हैं लेकिन इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हम यही चाहेंगे जितना ज़्यादा आप लोग लाइक और कमेंट करोगे उतना ज़्यादा ही हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम और बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थियों, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।